हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आइए, आज की क्लास में हम दूसरे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन महान वैज्ञानिक का क्या नाम है आपको पता ही है। जो लोग पहला रिएक्शन नहीं देखेंगे, ये दो नंबर का रिएक्शन है, जो पहला नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। और दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो नाम है फिंकेल एस्टीन रिएक्शन, यानी फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया। और हम आपको बोले थे कि दोनों मीडियम में आपको ये रिएक्शन समझाएंगे। देखो, फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया क्या है, इसके बाद जस्ट आने वाला है स्वार्ट अभिक्रिया। तो फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया को पहले हम लोग समझते हैं, फिर लिखा हुआ चीज को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखिए, क्या फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, यह एक प्रकार का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब हुआ कि हिंदी में कहते हैं हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय का अर्थ हुआ, जैसे आप कभी मॉल गए हैं, जब आप मॉल जाते हैं और कोई कपड़ा खरीदते हैं, वो पसंद नहीं आता है तो आप उसको एक्सचेंज करते हैं। तो क्या करता है, एक्सचेंज में पैसा रिटर्न कर देता। नहीं, रिटर्न अलग है, रिटर्न मतलब होता है वापसी, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। यहां पर हेलोजन का अदला बदली होगा। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, इन यही सब का अदला बदली होगा, आपस में एक्सचेंज होगा। और ये देखिए क्या होगा कि जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड लेंगे, R तो अल्काइल, R जहां भी देखिएगा कहेगा अल्काइल है, और Cl है तो क्लोराइड है। R में अगर जोड़ दिए Br तो बोलेंगे अल्काइल ब्रोमाइड। बोलो इसको क्या बोलोगे, अल्काइल क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे, अल्काइल ब्रोमाइड। ये आपका अल्काइल क्लोराइड है, ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड है। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं जानते हैं, इसकी अभिक्रिया जब सोडियम आयोडाइड NaI के साथ कराते हैं, NaI के साथ कराते हैं, तो सोडियम आयोडाइड के साथ कराने के बाद, ये है सोडियम, ये है आयोडाइड, तो नाम हो गया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन में, शुष्क माने सूखा, ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या होता है, हेलोजन का विनिमय होता है, यानी हेलोजन आर एक्सचेंज। हेलोजन क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। कैसे, ये भी आपका हेलोजन है, ये क्लोरीन के जगह आ जाएगा, क्लोरीन हेलोजन इसके साथ आ जाएगा, यानी एक्सचेंज हो गया। तो आर के साथ आई हो गया तो आर आई हो गया ना, R के साथ I हो गया तो R I हो गया, और उसके बाद साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na, और यहां आ जाएगा Cl, तो बन जाएगा NaCl, आपका ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। NaCl क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां देखो, यहां पर भी क्या होगा, आयोडीन आएगा ब्रोमीन के जगह पे, ब्रोमीन जाएगा आयोडीन के जगह पे, प्रोडक्ट बनेगा आर के साथ आई जुड़ेगा तो बोल जाएगा आर आई बन जाएगा, अब प्लस यहाँ का एन ए और यहाँ का बी आर बन जाएगा, एन ए बी आर बनेगा। तो देखो, अल्काइल आयोडाइड बना, यानी फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया में हम लोग अल्काइल आयोडाइड का निर्माण करते हैं, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। अगर कोई कहेगा अल्काइल आयोडाइड जो है, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेगा अल्काइल आयोडाइड का निर्माण जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड लेते हैं या ब्रोमाइड लेते हैं। तो जैसे R के जगह आपको यहां पर दे देगा R के जगह दे देगा CH3, हाँ Cl, प्लस यहां दे देगा NaI, यहां लिखा रहेगा एसीटोन, इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। तो आप कहेगा अरे बा, ये रिएक्शन कहाँ पर है सर जी, डर लग रहा है। अरे भैया डरना क्या है, अरे डरने की क्या बात है, प्रदीप सर आपके साथ है, है ना, हम आपके साथ है, टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है। देखिए क्या होगा, तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम आयोडाइड है, नाम भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, अदला बदली कर देंगे तो CH3 के साथ आई आ जाएगा, बनेगा CH3I, और उसके बाद साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na और यहाँ का Cl, NaCl बन गया। तो देखो भैया नाम भी लिख देते हैं, ये था मेरा मिथाइल क्लोराइड, क्या था भैया, ये मिथाइल क्लोराइड, और ये मेरा है सोडियम आयोडाइड, तो ये बन गया मिथाइल आयोडाइड। क्या बन गया भाई, मिथाइल आयोडाइड बन गया, यानी हेलोजन एक्सचेंज हुआ,
हेलोजन क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो जब आपको फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहेगा तो सीधे से दिमाग में बोले ओ फिंकेलस्टीन, ओ एक्सचेंज होगा किसके साथ, तो इस अभिक्रिया में फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में अल्काइल आयोडाइड बनेगा, यानी एक में तो आयोडीन लगा रहेगा। अल्काइल क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो, हेलोजन को एक्सचेंज करा दो रिएक्शन करा के, तो बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। समझ में आई बात। अब आइए तनी लिखलका को पढ़ते हैं, लिखलका को पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखिए कहता क्या है, व्हेन मतलब जब, व्हेन आरसीएल यानी अल्काइल क्लोराइड और आरबीआर यानी अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एनएआई यानी सोडियम आयोडाइड हाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है एनएआई के साथ तो क्या होता है, टू गिव आरआई यानी अल्काइल आयोडाइड देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकेलस्टीन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को हम लोग फिंकेलस्टीन साहब का रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन कहते हैं, फिंकेलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे तरह ध्यान दीजिएगा, जब आरसीएल यानी अल्काइल क्लोराइड या आरबीआर अल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एनएआई यानी सोडियम आयोडाइड भी यहां लिख सकते थे, हम फॉर्मूला लिख दिए, घबराइएगा नहीं डरिएगा नहीं, यहां सोडियम आयोडाइड हम लिख दिए हैं, नहीं लिखे हैं फॉर्मूला दे दिए, के साथ कराई जाती है हाँ ठीक है, तो आर आई का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो आरसीएल लिए, एनएआई लिए, ड्राई एसीटोन लिए, तो देखो आई यहाँ आ जाएगा, सीएल यहाँ आ जाएगा, तो आर आई हो जाएगा, एनएसीएल हो जाएगा, यहाँ पर आई यहाँ आ जाएगा, बीआर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपको एक्सचेंज ना करना है हो, तो हो जाएगा आर आई प्लस एनएबीआर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया तो एक बार और आप समझ लीजिए कि फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट देगा है ना, अल्काइल क्लोराइड ले लीजिए समझ रहे हैं, या यहाँ पर ले लीजिए ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कराना है आपको एनएआई के साथ, और यहाँ किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, एसीटोन, और जैसे एसीटोन के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन आर एक्सचेंज, हेलोजन को हम लोग क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे, हेलोजन जैसे भैया एक्सचेंज होई तो होई होई हो जाएगा बल्ले बल्ले CH3I प्लस NaCl, यहाँ बनेगा क्या CH3I प्लस बनेगा NaBr, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, फिंकेलस्टीन साहब का रिएक्शन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, एक दिन में एक वीडियो लेकर आएंगे प्रत्येक दिन, और सभी रिएक्शन को अच्छे से याद करना होगा और रटना होगा, ठीक है चलिए बाय बाय, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप भी शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है धन्यवाद सभी को, जय हिंद।